नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूपी तक के उस कार्यक्रम में जो रोज शाम 7 बजे बात करता है उत्तर प्रदेश की राजनीति की, जिसका नाम है मुद्दे की बात। हम लगातार बात करते हैं, रोज कोई ना कोई विषय होता है, लेकिन उस विषय के दौरान हम आपके बहुत सारे सवालों के जवाब भी देते हैं जो आप उस दौरान हमसे पूछते हैं। लेकिन चूंकि बातचीत होती है, बहुत सारे गेस्ट होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, तो आपके सारे सवालों के जवाब देना हमारे लिए उस वक्त एक तरीके से कह सकते हैं कि हो नहीं पाता है। ऐसे में हमने एक कोशिश की है कि अब यानी कि बृहस्पतिवार को हम आपके सवालों के जवाब देंगे। जी हाँ, जो आपने सवाल पूछे हैं इस पूरे एक हफ्ते के दौरान, इस पूरे वीडियो में, उनमें से कुछ सवाल जो हमें अच्छे लगे, जिनका कोई राजनीतिक महत्व है या जिससे कोई एक चर्चा बनती है, उनको हमने आज के इस शो में शामिल किया जिसमें हम चर्चा करेंगे। और इस चर्चा हमारे साथ शामिल हैं नीरज गुप्ता जी, जो आपके साथ रोज रहते हैं, इस शो के एंकर हैं। इसके अलावा कुमार अभिषेक लखनऊ से, जो संपादक हैं, ब्यूरो चीफ हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। और आज हम सीधा सवालों से शुरुआत करते हैं, क्योंकि इस हफ्ते बहुत ज्यादा बातचीत जयंत चौधरी और आरएलडी और उसके इर्द गिर्द हुई है। तो एक सवाल जो आया हुआ है वो है प्रदीप कुमार का। प्रदीप कुमार ये कह रहे हैं कि क्या जयंत 14 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और 14 सीटों पर चुनाव जीत जाएंगे। ये प्रदीप कुमार ने जो पूछा है, उनका जो सवाल है वो कहीं ना कहीं उन खबरों के बीच में भी है जिसमें बात की जा रही है 12 सीटों की। वो 12 सीटें जो माना जा रहा है कि पश्चिमी यूपी में जयंत चौधरी ने मांगी हैं। कुमार जी, मैं आपके पास आऊंगा। 14 सीटों की बात कर रहे थे प्रदीप कुमार की जीतेंगे, कितनी सीट मांग रहे हैं जयंत चौधरी और आपको क्या लगता है कि कौन क्या ऑफर कर रहा है? देखिए, मेरा मानना है कि ये जो सीटों के नेगोशिएशन हो रहे हैं, इसमें सभी लोग बढ़ चढ़ कर मांगते हैं। और जयंत चौधरी अगर ज्यादा सीटें मांग रहे हैं तो वो बड़ा नॉर्मल सी चीज है। 14 सीटें तो मैंने नहीं सुनी, लेकिन मैंने 12 सीटों तक सुना है कि वो 12 सीटों की उनकी मांग अंदरूनी तौर पर है। और ये 12 सीटों की जो मांग है वो अपने गठबंधन में उन्होंने रखी है। लेकिन 12 सीटों का मतलब है कि पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश उनके हवाले कर देना। कोई भी पार्टी हो, इतनी सीटें जयंत चौधरी को देगी, इसमें मुझे तो बहुत शक है, बहुत शक और शुभा दोनों है। और एक और बात जो चर्चा चल रही थी बहुत समय से, या इनफैक्ट आज भी आप चर्चा में देखें, बीजेपी से भी अंदर खाने बातचीत हुई है, बीजेपी के लोग भी चाहते हैं कि वो आए। इनके पार्टी के भीतर भी बहुत सारे लोगों का प्रेशर है कि वो बीजेपी की तरफ चलें। तो 12 सीट की जो बात है, इन्होंने 12 सीट की जो डिमांड है जो अंदरूनी तौर पर चल रही है, वो मुझे लगता है इन्होंने दोनों पार्टियों के सामने रखा होगा। कम से कम अपने गठबंधन में तो ये चर्चा जरूर हुई होगी, लेकिन जयंत चौधरी को भी मालूम है कि आखिर कितनी सीटें फीजिबल हैं, कितनी सीटें उन्हें लगता है कि उनका गठबंधन दे सकता है। यहां तक कि अगर हम बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी से भी जो लोग खबरों को बता रहे हैं कि बीजेपी के लोग भी लगे हैं, या इधर से भी एक दबाव है, तो उधर बीजेपी से भी बहुत ज्यादा सीटें मांगने की बात आई है। बीजेपी कुछ ज्यादा सीटें देने को तैयार भी है, लेकिन 12 सीटें, 10 सीटें, ये तो बड़ा मुश्किल है किसी भी पार्टी के लिए जयंत चौधरी को देना। जयंत चौधरी निश्चित तौर पर इस बात के लिए जरूर मांग भी रहे हैं। आप देखें, बीजेपी से जितनी खबरें आई हैं, जयंत चौधरी की तरफ से बहुत जोरदार खंडन नहीं आया है। बातचीत में तो ऐसा लग रहा है कि उनके तरफ से चैनल खुले हुए, उन्होंने कहा कि आप क्या चाहते हैं, मैं सूट सिलवा लूं, मैं विपक्ष की बैठक में जाऊंगा, ये उनके शब्द हैं। वो भी चाहते हैं कि उनके बारे में जो खबरें हैं कि वो इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, वो चलती रहे, क्योंकि बार्गेनिंग पावर बढ़ता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का और नेता का। तो ये जो 14 सीटों की बात हमारे जिस दर्शक ने कही कि क्या उन्हें 14 सीटें मिलेंगी, तो मेरा जवाब तो है कि 14 सीटें मुझे लगता नहीं है कि आधिकारिक तौर पर वो मांगेंगे, लेकिन उससे कुछ कम सीटें वो जरूर मांगेंगे। हालांकि मुझे उम्मीद नहीं है कि इतनी सीटें मिलेंगी, कोई गठबंधन उन्हें देगा। लेकिन बीजेपी की तरफ से जो जानकारी है, कुछ हद तक वो ऐसी सीटें दे सकती है जो जिसे आंकड़ों में अगर हम कहें तो बीजेपी ज्यादा सीटें दे सकती है, ऐसी बात उनकी पार्टी के नेता भी कह रहे हैं। लेकिन क्या ये 14 होगा, 12 होगा, 10 होगा, 8 होगा, 6 होगा, इस पर कोई कयास नहीं लगाया जा सकता। लेकिन ये उनके एक बार्गेनिंग टैक्टिक्स है, और मुझे लगता है दोनों पार्टियों में से, दोनों तरफ, जहां
जिस तरफ बातें चल रही हैं उस तरफ इनका बार्गेनिंग होगा, और बहुत हार्ड बार्गेनर के तौर पे ये जाने भी जाते हैं। आप देखिए, जब समाजवादी पार्टी के साथ ये सरकार जब चुनाव लड़ रहे थे तो बहुत हार्ड बार्गेनिंग हुई थी। हमको हमें याद है कि उस दौर में एक एक दिन जो बार्गेनिंग चल रही थी वो किस तरीके की थी। तो नेता और पॉलिटिकल पार्टियां भले ही से बार्गेनिंग शब्द का नाम ना दें, लेकिन बहुत हार्ड बार्गेनिंग हुई थी। यहां तक कि जब उनको राज्यसभा सीट दी गई, वो पल भी ऐसा था जब बिल्कुल ऐसा लगा कि गठबंधन टूट जाएगा अगर नहीं मिलेगा तो। वो भी एक तरीके से बहुत हार्ड बार्गेनिंग के बाद उन्हें राज्यसभा सीट दी गई। तो कुल मिलाकर के जो उनकी पार्टी है या जयंत चौधरी है, वो अपनी इस तरीके की एक इमेज, इस तरीके की एक भूमिका बनाए रखना चाहते हैं कि वो सबसे प्रासंगिक पार्टी है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उसको इग्नोर करके कोई नहीं चल सकता, और जिसे भी उसके साथ आना है उनकी बहुत सारी शर्तों को मानना होगा, और शर्तों में सबसे अहम होगी सीटों की संख्या। लेकिन मैं 14 सीटों की बात जो उन्होंने की, मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता। बिल्कुल, का लाइसेंस अप्लाई करो, तमंचे का तो मिल ही जाएगा। तो ये जब भी सीटों की बार्गेनिंग होती है ना, तो तोप का लाइसेंस अप्लाई किया जाता है, और उम्मीद ये रहती है कि भाई तमंचे का या रिवॉल्वर का तो मिल ही जाए। ये आप म्यूट कर लीजिए। तो वही वही पॉलिसी मुझे लगता है कि जयंत की पार्टी ने अपनाई है। एक बार उनकी पार्टी के अध्यक्ष रामाशीष राय ने शायद ये कहा था ऑन रिकॉर्ड कि हम 12 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। नहीं, मैं आप ही की मैं जयंत की बात को ही आगे बढ़ा रहा हूँ, जयंत की सीटों की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा था हम 12 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। वहीं से जी जी कुमार जी, आपकी आवाज मिल जी रही है। कुमार, आपकी आवाज मिल रही, माफी चाहता हूँ, मैं म्यूट पर था। तो रामाशीष राय ने एक बार कहा था कि हम 12 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। वहीं से ये 12 सीटों का एक फिगर आ गया, वरना ऑन रिकॉर्ड कहीं ये नहीं है कि 12 सीटें मांग रहे हैं या कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आज तक पिछले 25 सालों में आरएलडी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ले देकर ज्यादा से ज्यादा 10 सीटों पर ही चुनाव लड़ा है। बल्कि पिछले चुनाव में तो वो 3 सीटों पर चुनाव लड़े, सारी हार गए। 2014 में उन्होंने 8 सीटों पर चुनाव लड़ा था, सारी हार गए थे। एक बार 7 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 5 सीटें उसमें से जीते थे। इसके अलावा इससे बेहतर प्रदर्शन उन्होंने लोकसभा के चुनाव में नहीं किया है। तो 14 सीटों की जो मांग की बात कर रहे हैं प्रदीप कुमार जी, मुझे लगता है वो दूर की कौड़ी है। एक सवाल नीरज जी आपसे और है, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। ये पूछते हैं मनजीत सिंह, इनका नाम है मनजीत सिंह 7621, ये ऐसा यूट्यूब पे इनका है। उन्होंने कहा कि जयंत चौधरी चले जाएंगे, भाजपा में डिप्टी सीएम बनना चाहिए उनको। क्या ऑफरिंग कर रही है बीजेपी उनको डिप्टी सीएम बनने की बात? मैं ये बात इसलिए भी कह रहा हूं, मेरा इसमें एक तर्क है कि जो बात ये कह रहे हैं, चुनाव बहुत दूर नहीं है, 1 साल कह लीजिए मुश्किल से, तो ऐसे में कोई मंत्री बनना क्यों चाहेगा? और डिप्टी सीएम की बात तो तब भी चल रही थी जब 2022 के चुनाव भी थे, तो डिप्टी सीएम का पद मिले तो जाए ना, मंत्री बनने का क्या फायदा है? दो नजरिए इसमें, इस सवाल के जवाब में दो पार्टियां, एक बीजेपी, एक जयंत चौधरी की आरएलडी। अगर हम बीजेपी के नजरिए से बात करें रजत, तो आप मुझे बताइए कि बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष जाट है। उन्होंने इसके अलावा जगदीश धनखड़ की शक्ल में राज्यसभा का चेयरपर्सन एक जाट नेता को बनाया हुआ है। तो इतना, और 2019 में 91% जाट वोट बीजेपी को मिला था। 2022 में किसान आंदोलन के बावजूद 80% से ज्यादा वोट बीजेपी को मिला था। तो बीजेपी के लिए जयंत जरूरी हो सकते हैं, मजबूरी नहीं हो सकते हैं। तो ऐसी कोई बात मुझे नहीं लगती है कि वो जयंत चौधरी को डेप्यूटी सीएम बना देंगे, जबकि पहले से 2 डेप्यूटी सीएम जो कि जातिगत समीकरणों के हिसाब से बनाए हुए हैं, बृजेश पाठक और केशव मौर्य की शक्ल में, वहां पर बीजेपी जयंत चौधरी को भी डेप्यूटी सीएम ऑफर करे। अब हम जयंत चौधरी के नजरिए से अगर देखें, तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नेताओं को लखनऊ से ज्यादा दिल्ली अपने करीब लगता है, वही उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स को भी लखनऊ से ज्यादा दिल्ली अपने करीब लगता है। जयंत चौधरी, आप देखिए, जो प्री पोल इलेक्शन में भी कभी हमने नहीं सुना कि वो अगर अखिलेश यादव के गठबंधन की सरकार बनती है तो कोई बात उसके लिए कोई वो कोई खूंटा गाड़ रहे हो। तो वो राज्यसभा की सीट उन्हें चाहिए, राज्यसभा की सीट अखिलेश ने उन्हें दी, अब वो दिल्ली में बैठकर अपनी पॉलिटिक्स करते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नेताओं को दिल्ली आना आसान होता है। तो टू कट इट शॉर्ट, मुझे नहीं लगता कि डेप्यूटी सीएम के लिए कोई कोई आपने पत्ते भी खेल रहे होंगे जयंत चौधरी, और बीजेपी भी उन्हें बनाना चाहेगी। बिल्कुल कुमार जी, क्या ऑफरिंग है बीजेपी के पास? दोबारा प्रश्न दोहराएं जरा।
था कि डिप्टी सीएम बनना चाहिए जयंत चौधरी को, तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी क्या ऑफरिंग दे रही है? क्या डिप्टी सीएम का पोस्ट मिल सकता है जयंत चौधरी को अगर वो गठबंधन में जाए? क्या इतने बड़े गठबंधन के साथी बन सकते हैं वो? के ये अगर अगर ये बात डिस्कशन में आए और इस पर अगर कोई नेगोशिएशन होता तो ये एक ऐसा मुद्दा था जिस पर नेगोशिएट किया जा सकता था, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि लखनऊ को लेकर के बहुत ज्यादा कभी डिप्टी सीएम के तौर पर इंटरेस्टेड रहे हैं। तो साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे तो हमने कभी अजीत सिंह को भी नहीं देखा, हमने कभी अजीत सिंह को भी नहीं देखा कि लखनऊ की पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा दिलचस्पी उन्होंने दिखाई है, कम से कम पिछले दो दशकों में। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और उसकी एक वजह भी है, देखिए उनका उनका जो अपना प्रभाव क्षेत्र है सीमित है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी जो जाट बेल्ट है वो बहुत सीमित जाट बेल्ट है। लेकिन जितना भी सीमित हो उनकी जो उनका जो प्रभाव है वो असीमित रहा है, चाहे वो चौधरी चरण सिंह को ले लें या फिर कुछ हद तक आप देख लें तो अजीत सिंह का भी रहा है। और यही असीमित प्रभाव की जो चर्चा होती है इसी वजह से ये चर्चा निकलती है कि उन्हें डिप्टी सीएम बनना चाहिए। वैसे मेरा मानना है कि अगर डिप्टी सीएम को लेकर के अगर कभी आरएलडी की तरफ से कोई प्रस्ताव आता तो मुझे लगता है कि बीजेपी की तरफ से भी बहुत ज्यादा उसमें आनाकानी जैसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती अगर वो नेगोशिएट करना चाहते तो। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ऐसी कोई बात है। ये जो डिप्टी सीएम वाली बात है ना, ये आरएलडी के जो कोर कार्यकर्ता हैं जो हमेशा चाहते हैं कि नलके पर जीते, नलका ही को वोट करते हैं, उनके मन में ये जरूर बात रहती है कि उनका सीएम होना चाहिए। और जब सीएम अगर कोई दूसरा बन भी रहा है तो वो उनका नेता डिप्टी सीएम होना चाहिए। लेकिन चाहे अजीत सिंह हो जैसा नीरज ने कहा या फिर जयंत हो, ये दोनों केंद्र की पॉलिटिक्स इन्हें सूट करती है। क्योंकि अगर आप दिल्ली लखनऊ में डिप्टी सीएम बन जाएंगे तो आप पूरी जाट की जो देश की पॉलिटिक्स है उससे कट जाएंगे। और नीरज इसको थोड़ा बेहतर बताएंगे, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट पॉलिटिक्स करते रहे हैं उनके लिए सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश नहीं होता, उनके लिए हरियाणा होता है, उनके लिए राजस्थान होता है, पंजाब होता है, दिल्ली होती है। इतने स्टेट पे अगर कोई एक जाति एक बिरादरी अगर पूरे प्रभाव के साथ आती है तो उसका इम्पैक्ट देश में होता है। लेकिन अगर उसी में से कोई ऐसा नेता निकल करके आ जाए और आकर के लखनऊ से पॉलिटिक्स करने लगे तो वो मुझे लगता है कि मुश्किल होगी। लेकिन मेरा मानना है कि डिप्टी सीएम को अगर आप थोड़ा सा पलट दें और ये कह दें कि नहीं क्या वो सीएम बन सकते हैं, तब ये बात जरूर हो सकती है कि हाँ उन्हें सीएम बनने के लिए अगर कोई चीजें आ जाए तो जरूर वो उत्तर प्रदेश का सीएम बनना चाहेंगे या उनको उस तरीके का कोई ऑफर मिले तो। मुझे नहीं लगता कि डिप्टी सीएम के लिए वो कोई बहुत बहुत ज्यादा कोई इंटरेस्ट होगा। इसको इसको मैं थोड़ा सा एक और उदाहरण दे दूं। आप देखें जो दलित पॉलिटिक्स है, जो मायावती है, मायावती दिल्ली जाकर के बैठी है, भाई क्यों लखनऊ में? लखनऊ बैठ सकती थी, लखनऊ बैठ करके वो उत्तर प्रदेश की 80 सीटों की प्लानिंग कर सकती थी। ठीक है, चार राज्यों के चुनाव है थोड़े दिन के लिए दिल्ली, लेकिन जो जो दलित पॉलिटिक्स का केंद्र है अगर वो दिल्ली से होगा तो उसका इम्पैक्ट अलग होगा, वो देश की नेता के तौर पर होगा। आप इनको देख लीजिए, चंद्रशेखर रावण को, वो भी दिल्ली से पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। तो क्षेत्रीय पॉलिटिक्स अलग है और दिल्ली की पॉलिटिक्स अलग है। मुझे लगता है कि जयंत चौधरी के लिए या जयंत चौधरी को जो सूट करता है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, उनके लिए दिल्ली का रास्ता नजदीक है, लखनऊ बहुत दूर है। रजत, चूंकि रजत की कुमार अभिषेक ने अभी, तो हम अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि जयंत की पार्टी आरएलडी का रीजनल पार्टी का दर्जा छीन चुका है और अब ये इलेक्शन कमीशन पर निर्भर करेगा चुनाव आने पर कि उन्हें वो नलके का निशान मिलेगा या नहीं मिलेगा जो पिछले कई दशकों से उनका एक निशान रहा है। और खास तौर पर जब हम चुनावों की बात करते हैं तो जो सिंबल होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है, तो जयंत को एक वो मोर्चा भी अभी देखना है। रजत, बिल्कुल, एक बात, एक सवाल और भी है नीरज जी, ये पूछ रहे हैं हिमांशु यादव, वो कह रहे हैं कि जयंत शुड बी नेवर कमिट दिस मिस्टेक। ये बात वो बीजेपी गठबंधन को लेकर है, बीजेपी हैज हिस्ट्री ऑफ डिस्ट्रॉइंग द इट्स स्मॉल एलाइज, दे हैव ऑलरेडी डैमेज टू लॉट ऑफ टू आरएलडी, नाउ फर्दर ज्वाइनिंग इट विल बी डिस्ट्रॉयज फॉर द फ्यूचर ऑफ द पार्टी। यानी ये कह ये रहे हैं जो हिंदी के दर्शक हैं कि जयंत चौधरी के लिए ये बड़ी भूल हो सकती, बड़ी चूक हो सकती है अगर वो बीजेपी के साथ चाहते हैं, क्योंकि बीजेपी का भविष्य रहा है छोटी पार्टियों को खत्म करने का और उन्होंने आरएलडी का पहले भी नुकसान किया है।
आपको क्या लगता है जो जयंत चौधरी अगर बीजेपी के साथ जाते हैं तो वो फ्यूचर पॉलिटिक्स जो बात कही जा रही है कि क्यों जयंत विपक्ष को ज्यादा पसंद कर रहे हैं, वो विपक्ष में जाना ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि उनकी जो पॉलिटिक्स है वो फिलहाल बीजेपी के खिलाफ नजर आती है नीरज जी, तो क्या अगर वो अभी जाते हैं जो कुछ दिन पहले आप लोगों ने चर्चा की कि जयंत चौधरी इशारा कर रहे हैं जो कुमार अभिषेक जी कह रहे थे उसमें एक चर्चा चारू के ट्वीट ने हुआ है, चारू जो जयंत चौधरी की पत्नी है उन्होंने एक ट्वीट किया कि चवन्नी नहीं है जो पलट जाएंगी, ये वही बयान है जो कभी जयंत चौधरी अमित शाह के ऑफर के बाद एक मंच से बोले थे, तो ये जो अगर उधर जाते हैं तो नुकसान दिखता है आपको, फौरी फायदा हो सकता है आगामी नुकसान हो सकता है? बिल्कुल रजत, जो बात हिमांशु यादव ने कही है अंग्रेजी में, मुझे लगता है कि उन्होंने शरद पवार का हाल ही का एक कोट उठाया है, जब अजीत पवार अभी बीजेपी में शामिल हुए पिछले दिनों तो शरद पवार का एक बयान छपा था अखबारों में कि उन्होंने अजीत पवार को ये ताकीद की थी कि बीजेपी में जा तो रहे हो लेकिन बीजेपी अपने छोटे साथियों को खा जाती है और तुम्हारे साथ भी यही होगा। अगर हम उदाहरण के तौर पर बात करें तो हमें पंजाब को याद करना चाहिए, अकाली दल बीजेपी का सबसे पुराना और एक नेचुरल एलाई था, बहुत सालों तक रहा, आज बीजेपी के साथ नहीं है। हमें महाराष्ट्र की बात करनी चाहिए, शिवसेना विचारधारा के स्तर पर भी और बाकी वोट बैंक पॉलिटिक्स के नजरिए से भी बीजेपी का नेचुरल एलाई था, आज बीजेपी के साथ नहीं है। नीतीश कुमार ने बिहार में बीजेपी का साथ थामा था, आज वो बीजेपी के साथ नहीं है। जम्मू कश्मीर में पीडीपी ने, वो तो अलायंस ही अननेचुरल था लेकिन वहां भी बीजेपी के साथ मिलकर लड़ी थी, आज उसके साथ नहीं है। और अगर हम पर्टिकुलर नामों पर आ जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया बहुत फैनफेयर के साथ बीजेपी में आए थे, मंत्री हैं केंद्र में लेकिन वो रुतबा शायद नहीं है, कम से कम खबरों में तो नहीं दिखता है, सुर्खियों में तो नहीं दिखता है। जितिन प्रसाद एक और युवा नेता कांग्रेस के आए थे, वो भी मंत्री हैं राज्य सरकार में लेकिन वो रुतबा नहीं दिखता है। तो अगर हिमांशु यादव ये बात कह रहे हैं कि बीजेपी अपने छोटे साथियों को खा जाती है तो इसके लिए कुछ ऐतिहासिक तथ्य तो मौजूद हैं जाहिर तौर पर, लेकिन जयंत चौधरी जिस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं अगर हम उसे उनके पिता और उनके दादा की विरासत माने तो भाई अजीत सिंह तो 1996 से लेकर 2014 तक हर सरकार में मंत्री रहे, वो कांग्रेस की सरकार में एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहे, वो बीजेपी की सरकार में माफ कीजिएगा वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहे और फिर मनमोहन सिंह की सरकार में एविएशन मिनिस्टर रहे, तो वो ऐसी सूरत में केंद्र में जयंत चौधरी बीजेपी में रहकर अपना एक स्थान खोद भी सकते हैं। ये उस तरह की पॉलिटिक्स है जो रामविलास पासवान ने की, वो भी सब जगह पे मंत्री रहे लेकिन ऐसा नहीं कि उनकी पार्टी गायब हो गई, कम से कम उनके जीते जी तो ऐसा नहीं हुआ था। तो जयंत चौधरी के लिए बीजेपी के दरवाजे बंद हो जाने चाहिए, मुझे नहीं लगता कि उनकी पार्टी के नेता या वो खुद ऐसा सोच रहे होंगे, लेकिन हिमांशु यादव ने जो बात कही है उसमें भी दम है। बिल्कुल नीरज जी, जो आप बात कर रहे हैं, कुमार जी मैं आपके पास आऊंगा, इसका एक और अलग एंगल भी है कि बिल्कुल मैं भी अपनी एक राय रखूंगा कि ये बात कही जाती है कि बीजेपी ने जो उसके एलाइज हैं उनका नुकसान किया, लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश में देखिए तो फायदा हुआ है। दो पार्टियों का नाम मैं ले सकता हूं, निषाद पार्टी, तीन पार्टियों का नाम लेता हूं, निषाद पार्टी, ओम प्रकाश राजभर और अनुप्रिया पटेल, इन तीनों को फायदा हुआ अगर आप देखिए, क्योंकि अनुप्रिया पटेल, सोनीलाल पटेल अपने पूरे जीवन में कभी विधायक नहीं बन पाए, अनुप्रिया पटेल आज सांसद हैं, मंत्री हैं, उनके पति जो हैं वो विधायक हैं, एमएलसी हैं, वो भी मंत्री हैं, सांसद विधायक दोनों पार्टियों के पास। निषाद पार्टी को आप देख लीजिए, हालांकि अखिलेश यादव के साथ उनके बेटे पहले सांसद बने। ओम प्रकाश राजभर जो लंबे समय तक स्ट्रगल करते रहे, जब वो बीजेपी के साथ गठबंधन में आए तो बिल्कुल उभर कर सामने आ गए। आप इस पर क्या राय रखते हैं? देखिए जो आपने बात, आवाज आ रही है क्या? नहीं, वही बात मैं कह रहा था, मैं नीरज जो कह रहे हैं वो अपनी जगह पर ठीक है लेकिन मैं थोड़ा उनसे इत्तेफाक नहीं रखता। मुझे लगता है कि मुझे कोई ऐसा दल याद नहीं आता है जिस दल ने पूरी तरीके से जिस पर दबाव डालकर बीजेपी ने उसे अपने में समाहित कर लिया हो, मुझे कोई ऐसा दल का नाम याद नहीं आता है कि भाई कोई दल उनके साथ रहा हो और पूरी तरीके से बीजेपी उसे खा गई। जिन दलों की बात नीरज ने कही, चाहे वो शिवसेना हो, शिवसेना के साथ गठबंधन टूटना हो, तो मुझे लगता है कि वो महत्वाकांक्षा की लड़ाई थी और उसमें वो उनका गठबंधन टूटा। नीतीश कुमार को अगर आप देख लें तो नीतीश कुमार जब भी बीजेपी के समर्थन से सरकार में आए तो बीजेपी की सीटें हमेशा उनसे काफी ज्यादा रही और बीजेपी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया।
ये आप इस तरीके से भी इसको देखिए कि मतलब हम लोग जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, लेकिन जब एनालाइज करते हैं तो आप इस चीज को तो देखेंगे ना कि भाई जो 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 जिस कौन किसके कंधे पर सवार होकर कहां तक किसने पॉलिटिक्स की। ये जरूर है कि नीतीश कुमार पिछड़ों के नेता थे, एक बिरादरी के नेता थे, बीजेपी सवर्णों की पार्टी थी और बीजेपी को कोई पिछड़ा आधार नहीं मिल रहा था तो नीतीश कुमार उससे जुड़े। लेकिन ये भी फैक्ट उतना ही है कि नीतीश कुमार को जब जब बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया, इक्का दुक्का इंस्टेंस को छोड़ दिया जाए, तो बीजेपी की सीटें ज्यादा रही हैं और उन्होंने उनसे उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। आप अकाली दल की बात कर लीजिए, अकाली दल तो सरकार में था, सिर्फ वो जो किसान आंदोलन का मुद्दा हुआ था उस मुद्दे पर वो छोड़ करके गए थे और दोबारा आ रहे हैं। जबकि कई कई दलों का ऐसा मैंने देखा है कि अगर उन्होंने कपड़े को खत्म, आप रामविलास पासवान को देख लीजिए, इस वक्त आप देखिए चाहे हम पार्टी हो बिहार में, उत्तर प्रदेश में आप ओम प्रकाश राजभर को देखिए ना, जो जिसकी जिस बात की चर्चा आप कर रहे थे कि ओम प्रकाश राजभर आए, निषाद आए, निषाद सिर्फ एक संजय निषाद की एक निषाद पार्टी हुआ करती थी लेकिन न तो उसने कभी चुनाव जीता न कभी विधायक बने। आज जब बीजेपी के साथ मिले तो बीजेपी के साथ वो मंत्री हैं, विधायक एमएलसी हैं, उनका एक बेटा एमपी है हालांकि बीजेपी के टिकट पर है, एक बेटा विधायक है अपनी पार्टी से है, आज वो कई सीटें मांगने की स्थिति में है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी के साथ जो लोग आए हैं वो उन लोगों ने हाल के दिनों में तो बीजेपी के साथ ग्रो किया है। आपने भी जो जो मिसालें दी हैं, चाहे अनुप्रिया पटेल का की मिसाल ले लीजिए, ओम प्रकाश राजभर कभी नहीं जीते थे, ओम प्रकाश राजभर न सिर्फ जीते बल्कि मंत्री बने और आज उनका अगर इतना बड़ा कद है तो वो अमित शाह की जो प्लानिंग रही जिसमें लेकर के छोटे छोटे दलों को जोड़ने का था उसकी वजह से वो आज 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 सभी छोटे दल के एस्पिरेशन अगर बढ़े हैं तो उसमें मुझे लगता है कि बीजेपी की ये पॉलिसी की अगर किसी के पास वोट है, किसी का किसी नेता का अपना प्रभाव है तो उसको जोड़ लो, बेशक उसके नाम से ही जोड़ लो। ये अलग बात है कि वो आगे चलकर और बड़ा हो जाए, बीजेपी को आंख दिखाए, फर्क नहीं पड़ता। तात्कालिक जीत उनके लिए जरूरी होती है कि अगर 2014 में वो जरूरी थे तो उनको साथ लाए, उनको साथ लेकर चले, 2019 में अगर कोई जरूरी था, 2022 में अगर कोई जरूरी था उसे साथ लेकर आए, वो बड़े हो गए ठीक है, अलग आप हो सकते हो, अगर आप अलग होना आप अलग हो लो, लेकिन एकदम से जिसे कहते हैं ना खा जाना, मुझे तो ऐसा कोई मिसाल मिल नहीं रहा, दिख नहीं रहा कि कोई पार्टी किसी को खा जाए। नहीं नहीं, वो शब्द गलत हो सकता है, खा जाना वो शब्द गलत हो सकता है खा जाना, लेकिन बीजेपी का साथ उसके साथ आप एमडीएम के, डीएमडी के, पीएम के, हम पार्टी रही है, टीडीपी रही है, मतलब अगर 2014 से भी शुरू करेंगे हम तो कम से कम मैं 12-15 पार्टियां तो गिनवाई दूंगा जो एनडीए का साथ छोड़ के चली गई, एनडीए को छोड़कर चली गई, तो वो वजहें उनकी जो भी रही होंगी के लिए, उसके लिए मुझे लगता है कि उनकी जो उनके स्टेट की या उनकी अपनी जो महत्वाकांक्षाएं हैं या उनको अपने ग्रो करने के लिए जो अगर किसी को जगह नहीं मिलता है, स्पेस नहीं मिलता है, या किसी को लगता है कि वो बीजेपी से के फोल्ड से बाहर जाकर के वो ज्यादा बेहतर कर सकती हैं, वो जाती हैं। मुझे तो अगर आप उत्तर बीजेपी के साथ आने वाली पार्टियों की लिस्ट देख लें, अगर आप जनसंघ के दौर से देख लें तो शायद ही कोई बचा हो कांग्रेस को छोड़ करके जिसके साथ बीजेपी नहीं गई हो, और अगर 90 के दशक से बात करें तो समाजवादी पार्टी और आरजेडी को छोड़ दे तो शायद ही कोई ऐसा दल रहा हो और लेफ्ट को छोड़ दे तो जो बीजेपी के साथ नहीं गया हो, और वो भी 89 में तो बीजेपी के साथ सपा लेफ्ट भी गई थी। तो मेरा मानना यह है कि हर दल अपने स्वार्थ या यूं कह लें अपने राजनीतिक हितों के हिसाब से बीजेपी के साथ जुड़ता रहा है और अपनी राजनीतिक हितों के हिसाब से बीजेपी से अलग होता रहा है। मुझे नहीं लगता कि बीजेपी की यात्रा को अगर आप देख लें, उसकी पूरी जर्नी को देख लें, तो अगर कोई उसकी पार्टी के उस पार्टी के साथ जुड़ा हो और वो पार्टी खत्म हो गई हो या वो पार्टी बहुत नुकसान में चली गई हो। इंडिविजुअल की जहां तक आप बात कर रहे हैं, ये जरूर है कि बड़े बड़े नाम जो आए या तो उन्हें बीजेपी का होना पड़ा, या तो उन्हें संघ की विचारधारा अपनानी पड़ी, या फिर वो बेगाने से होकर रह गए। बहुत सारे ऐसे नाम है जिन्होंने अगर बीजेपी की विचारधारा नहीं अपनाई या संघ की विचारधारा नहीं अपनाई तो जब तक वो पार्टी में रहे तब तक तो उनका रहा, लेकिन जब फिर पार्टी से निकल करके गए तो फिर उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। यहां मैं मानता हूं कि इंडिविजुअल लेवल पर अगर आप वैचारिक रूप से बीजेपी के साथ नहीं जुड़ेंगे और उस पार्टी में जाएंगे तो शायद आप अलग थलग पड़ जाएं, अगर अपनी विचारधारा को आप लेकर के चल रहे हैं। लेकिन नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कुमार, हम अगले सवाल पे जाएंगे।
लेकिन बस आखिरी लाइन की आप महत्वाकांक्षाओं की बात अगर हम करें, अगर हम पॉलिटिकली देखें तो वॉज ऑलवेज अ यंगर ब्रदर, बीजेपी छोटी पार्टी थी। आज बीजेपी आप पंजाब में अकाली दल को देख सकते हैं, शिवसेना महाराष्ट्र में बीजेपी हमेशा छोटा भाई थी, आज आप देख सकते हैं। बिहार में बीजेपी नीतीश के साथ हमेशा छोटा भाई थी, आज आप देख सकते हैं। तो महत्वाकांक्षाएं और उन महत्वाकांक्षाओं को फलीभूत बीजेपी ने किया है, बीजेपी ने भी किया है। बिल्कुल राजनीतिक पत्रकारिता का, मुझे ऐसा लगता है कि इस सवाल पे मुझे लगता है कि जिन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ा वो ग्रो किए छोड़ने के बाद। अगर आप ओम प्रकाश राजभर को देखिए, आप शिवसेना को देखिए, आप नीतीश कुमार को देखिए, जिन्होंने उनका साथ छोड़ा, या उसके अलावा बहुत सारी छोटी पार्टियां हैं जिन्होंने गठबंधन किया। इवन मायावती ने जब बीजेपी का साथ छोड़ा तो उन्होंने कुछ दिनों बाद अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई और 5 साल मुख्यमंत्री भी रही। तो बीजेपी का साथ छोड़ना छोटी पार्टियों के लिए जो गठबंधन के बाद गई उनके लिए फायदेमंद रहा। हालांकि हम इस पर लंबी चर्चा कर सकते हैं, दूसरा सवाल भी लेना जरूरी है, और ये सवाल जो है वो है याकू प्रधान का। ये सवाल नीरज जी आप जानते होंगे, वीरू दास जो लगभग रोज हमारे शाम 7 बजे के दर्शक होते हैं और उनका भी लगभग मिलता जुलता सवाल आज उन्होंने पूछा है। ये सवाल पिछले एक हफ्ते में पूछा गया कि मुझे लगता है कि ये याकू प्रधान का सवाल है कि मुझे लगता है कि आपने भी जयंत चौधरी विपक्ष में रहेंगे, जयंत चौधरी अजीत जी से, जयंत चौधरी ने मुजफ्फरनगर से लोकसभा चुनाव जाट और मुस्लिम एकता लाने के लिए लड़ा था और चौधरी साहब अपने मिशन में कामयाब रहे, चौधरी साहब चुनाव हारकर भी जीत गए। वो कह रहे हैं कि अजीत चौधरी जो है वो मुजफ्फरनगर में लड़े और जाट मुस्लिमों को एक किए। एक चुनाव और भी हुआ खटौली का जहां पर जाट और मुस्लिम एक साथ आए ऐसा लगा, और यही बड़ी वजह मानी गई कि लगातार अखिलेश यादव से मुलाकात को लेकर जयंत चौधरी कतराते रहे, उनकी फोटो साथ नहीं आई। आपको क्या लगता है नीरज जी, ये जो बात कह रहे हैं याकूब जी कि जाट और मुस्लिम एकता की, खासकर मुजफ्फरनगर की, पिछली बार संजीव बालियान से चुनाव लगभग 5,000 अगर मैं गलत नहीं हूं तो 5,000 के मार्जिन से चौधरी अजीत सिंह हार गए थे, उसके बाद उनका निधन हो गया और एक बहुत भावुक अपील जाटों के बीच जयंत चौधरी की रही, और ये एक तरीके से आप चूंकि उस बेल्ट को ज्यादा अच्छी तरीके से समझते हैं तो आपको क्या लगता है कि एकता बनती हुई दिख रही है और 2024 में दिखेगी? नहीं देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद जिस तरह से एक बिल्कुल दो एक बड़ी खाई बन गई थी जाटों और मुस्लिमों के बीच में, तो 2019 का चुनाव भी, दरअसल 2014 का चुनाव बागपत से लड़ा था चौधरी अजीत सिंह ने, लेकिन 2019 का चुनाव उन्होंने मुजफ्फरनगर से लड़ा, और उस वक्त ये कहा गया कि मुजफ्फरनगर से चौधरी अजीत सिंह के लड़ने की वजह यह है कि उनकी उन्हें ज्यादा लोग एक्सेप्ट करते हैं तो वो शायद ये एकता फिर से वो बना पाएंगे। और 2022 के चुनावों में भी, कुमार मुझे करेक्ट करेंगे अगर मैं गलत हूं, तो आपको याद होगा रजत, हमने बहुत सारी ऐसी खबरें देखी, यूपी तक ने भी ऐसी खबरें की थी जहां पर जयंत चौधरी की रैलियों में भारी तादाद में मुस्लिम हमें आगे पंक्तियों में नजर आते थे, कुछ कैरेक्टर्स थे जिनके ऊपर बकायदा विजुअल स्टोरीज की गई थी, तो ये हुआ था। लेकिन 2022 के चुनावों में फिर भी अगर मुस्लिम समुदाय का एक कम्युनिटी के तौर पर उनका एक अकेले नेता की बात करें तो वो अखिलेश यादव ही उभर कर सामने आए थे। अब अखिलेश और जयंत का चूंकि गठबंधन था तो वहां पर उन्होंने चुनाव उन परिस्थितियों में लड़ा। अब मुझे ऐसा लगता है कि जयंत चौधरी अगर अलग होकर अखिलेश यादव से लड़ते हैं तो ऐसी सूरत में मुस्लिम उनको एक तरफा वोट देगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। मुझे लगता है कि मुस्लिम अभी तो उत्तर प्रदेश के अंदर गठबंधन क्या शक्ल लेता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और फिर मुस्लिम वोट के एक बड़े धड़े के लिए यही इंपॉर्टेंट होगा कि किस पार्टी का कैंडिडेट जो है वो बीजेपी को हरा रहा है। तो सीधे तौर पर अगर उनका सवाल ये था कि वो चौधरी साहब चुनाव जीतकर हारकर भी जीत गए थे तो मैं इससे इनकार नहीं करता हूं, लेकिन 2024 में भी मुस्लिम जयंत चौधरी को वोट दे देगा आरएलडी पार्टी के नाते, तो इस ये अभी हमें देखना होगा गठबंधन क्या शक्ल लेते हैं। बिल्कुल नीरज जी, जो आप कह रहे हैं दो सवाल अब मैं कुमार जी आपसे लूंगा। ये सवाल अखिलेश यादव और मुस्लिमों को लेकर है कि अखिलेश यादव पहले मुस्लिम मुद्दे पे साथ नहीं थे, अब मुस्लिम यादव अखिलेश यादव, अब मुस्लिम अखिलेश यादव के साथ नहीं है। ये जो कमेंट किया है इन्होंने, यूजर नाम है इनका, यूजर आर ई रजत, रजत आपकी आवाज मुझे बिल्कुल इको कर रही है, मतलब एक आवाज
हाँ अभी बताइए। हम बात मुस्लिम वोटों की कर रहे हैं, जयंत चौधरी की बात हो रही थी। एक सवाल यूजर RE60U3KBGF, ये सब सोशल मीडिया का माल है सर, ऐसे बहुत सारे कमेंट आते हैं। इनका सवाल बहुत जायज था कि अखिलेश यादव पहले मुस्लिम मुद्दे के साथ नहीं थे, अब मुस्लिम अखिलेश यादव के साथ नहीं है। इन्होंने एक और सवाल पूछा था कि 2022 के आखिरी चुनाव जो थे वो अखिलेश यादव के लिए खुशी के वोट थे, अब ऐसा नहीं होने जा रहा है क्योंकि सपा के साथ मुसलमान बचा नहीं है। जो बात नीरज जी कह रहे हैं कि जयंत चौधरी को बिना अखिलेश यादव के मुस्लिम वोट मिलेंगे नहीं, आपको क्या लगता है कि इस चुनाव में मुसलमान किसको वोट देगा? बहुत बड़ी चर्चा है ये पूरे यूपी में, क्या अखिलेश यादव के साथ मुस्लिम है? क्योंकि पिछले दिनों आम खाते हुए नजर आए थे वो आजम खान के साथ, बड़े दिनों बाद मुलाकात हुई थी, बहुत चर्चा रही इस तस्वीर की। नहीं देखिए, अगर आप एक लाइन में पूछे तो मेरा मानना है कि मुस्लिम आज भी अखिलेश यादव के साथ है, और अगर अखिलेश के अलावा वो किसी के साथ होंगे तभी वो किसी और पार्टी के साथ होंगे, यानी कि अखिलेश के अलावा किसी के साथ हैं तब वो कांग्रेस के साथ हैं, या तब वो बसपा के साथ हैं, या तब वो RLD के साथ हैं। लेकिन अगर मुस्लिम किसी एक के साथ है, किसी एक दल के साथ है, तो वो अखिलेश है। ये जरूर है कि मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका है जिसे लगता है कि राहुल गांधी ऐसे नेता हैं जिनके साथ उनकी कम्युनिटी को जाना चाहिए। यही कांग्रेस थी जब कई दशकों तक वो उसने कांग्रेस को बिल्कुल अलग रखा है, कम से कम हिंदी बेल्ट में उनसे दूर रहे, और खास करके बाबरी मस्जिद डेमोलिशन या बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाया जाना, या जो कई भागलपुर राइट्स ऐसी चीजें हुई उसके बाद से मेरठ राइट। लेकिन मेरा मानना है कि अगर मुसलमान किसी के साथ है तो अखिलेश के साथ। हाँ, नाराजगी रहती है, मन बहुत ये कह देना कि 100% एकदम मन मिला हो तो वो भी बात नहीं है, लेकिन अगर आप मुसलमानों के मनस्थिति को देखें तो वो चाहते हैं कि कांग्रेस और अखिलेश साथ हो जाए, ताकि उनका जो अपना एक वोट का जिसे कहते हैं ना एक मन पसंद वोट, जैसे अखिलेश और मायावती जब मिले 2019 में तो ये मुसलमानों के लिए सबसे मुफीद स्थिति थी, यानी कि उनका एक भी वोट बर्बाद नहीं होना, वो जहां एक मन बनाया और उसको दे रहे हैं। लेकिन आज की स्थिति है कि 2024 को लेकर के मुसलमानों के मन में एक बात जरूर है कि अखिलेश यादव तो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, वो सीधा चुनौती मोदी को तो नहीं देंगे, अगर मोदी को कोई चुनौती देगी तो या तो कांग्रेस पार्टी देगी या कांग्रेस लेड गठबंधन देगा। तो वो चाहते जरूर है कि एक ऐसा समीकरण उभरे जिसमें कांग्रेस लीडरशिप की स्थिति में हो, हमारा वोट कांग्रेस को जाए और वो सीधे प्रधानमंत्री बनने और बनाने के का जो वोट है उस तक जाए। ऐसी स्थिति में अगर आज आप देखें तो वो चाहते हैं कि कांग्रेस को वोट जाए, कांग्रेस को वोट किया जाए, लेकिन वो अखिलेश को छोड़ देंगे ऐसा नहीं। एक आप फर्ज कर लीजिए एक सिचुएशन कि दोनों अलग लड़ते हैं, कांग्रेस और अखिलेश, तो क्या पूरा मुसलमान कांग्रेस को चला जाएगा? तब वोट अच्छे खासे तरीके से डिवाइड होगा। और मैं इसको इसलिए कहता हूं क्योंकि वोट देना भी एक आदत होता है। अगर आप किसी पार्टी के समर्थक हैं तो बहुत आसानी से आप अपनी पार्टी को नहीं छोड़ेंगे, और मुलायम सिंह ने जिस समाजवादी पार्टी को बनाया उसका बहुत बड़ा आधार मुस्लिम वोट रहा है। मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को जब कांग्रेस को छोड़ा तो सपा को पकड़ा, और सपा को ऐसा पकड़ा कि उनकी एक के बाद दूसरी पीढ़ी भी सपा के साथ हो गई। तो ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस को सपा को मुसलमान छोड़ चुका है, अखिलेश को मुसलमान छोड़ चुका है। मेरा मानना है कि अखिलेश के साथ मुसलमान बड़ी तादाद में मजबूती से है, लेकिन अगर पार्लियामेंट का चुनाव आएगा तो उसके सामने दुविधा होगी अगर कांग्रेस और सपा अलग अलग लड़ेंगे। उसके लिए सबसे मुफीद सिचुएशन ये है कि सब बीजेपी के खिलाफ इकट्ठा हो, अगर नहीं भी होते हैं तो कम से कम कांग्रेस के साथ कोई और बड़ा दल आ जाए, बसपा जैसी दल आ जाए, ताकि उनको वोट करने का मौका मिले। लेकिन अगर आप कहेंगे कि इमोशनल अटैचमेंट किसी एक दल से है तो वो कांग्रेस से भी है और वो समाजवादी पार्टी से भी है। जो राम प्रवेश जी कह रहे हैं कि सीधे लड़ाई कांग्रेस से, तो अगर कांग्रेस से गठबंधन नहीं होता है तब मुसलमान अखिलेश यादव को वोट देगा, या अगर कांग्रेस से गठबंधन होता है तब ज्यादा मुसलमान वोट देगा? क्या अगर नहीं होता तो क्या सारा मुसलमान कांग्रेस को भी वोट दे सकता है, जो पैटर्न की बात करें कुमार अभिषेक? नहीं देखिए, उसमें फिर वही बात है जैसा कुमार ने कहा कि मुस्लिम वोट के लिए मुफीद स्थिति तो ये होगी कि उनकी मनपसंद पार्टियों के बीच में गठबंधन हो जाए। तो अगर कांग्रेस का गठबंधन हो जाता है अखिलेश यादव के साथ तो वो एक बड़ी मुफीद स्थिति होगी मुस्लिम वोटर के नजरिए से। लेकिन अगर गठबंधन नहीं होता है तो फिर ये देखना होगा कि मायावती का गठबंधन कांग्रेस के साथ हो रहा है क्या।
अगर मायावती का गठबंधन कांग्रेस के साथ होता है तो फिर मुस्लिम वोट के लिए एक और स्थिति बनती है, लेकिन सब पार्टियां अलग अलग लड़ेंगी कांग्रेस पार्टी के साथ। अगर कांग्रेस पार्टी अकेली खड़ी हुई है 80 सीटों पर लड़ रही है, वैसी सूरत में यूपी के अंदर मुस्लिम एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी को वोट दे ऐसा अभी नहीं लगता, क्योंकि अल्टीमेटली उनका गोल यही है कि बीजेपी को कौन पार्टी हरा रही है। बिल्कुल, एक सवाल इसमें और लेता हूँ, ये इंडियन करके हैं यूजर, उन्होंने पूछा कि अखिलेश यादव जी शायद आप भूल रहे हैं कि आपसे यादव वोट बैंक छिटक रहा है, इतना जनता भूलभक थोड़ी है, इसलिए घमंड छोड़ दीजिए नहीं तो आपकी स्थिति बुरी हो जाएगी। ये गठबंधन की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि यादव वोट बैंक आपसे छिटक रहा है, तो इसमें दो सवाल है नीरज जी। एक सवाल तो ये कि अगर वो कांग्रेस से गठबंधन नहीं करते हैं तो क्या उनकी स्थिति खराब हो जाएगी, क्या यादव भी उनको वोट नहीं देगा? दूसरी बात, जो बीजेपी पहले गैर यादव ओबीसी की बात करती थी, अब वो यादव के सहित ओबीसी की बात करती है, और ये आरोप लगा कि आजमगढ़ में यादवों ने वोट नहीं दिया अखिलेश यादव की पार्टी को, तो आपको लग रहा है कि अगर ज्यादा मुस्लिम वोटों की तरफ अखिलेश यादव जाते, क्योंकि अखिलेश यादव दलित की भी बात कर रहे हैं, पीडीए की भी बात कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि यादव वोट बैंक भी छिटक सकता है? कुमार से ले लीजिए इसका जवाब, मैं बहुत देर से बोल रहा हूं। कुमार जी आपको क्या लगता है? हेलो कुमार सर, आवाज आ रही है? हेलो आवाज, हाँ आवाज मिल रही है। देखिए, मुझे लगता है कि यादव वोट बैंक एक ऐसा वोट बैंक है जो बहुत ही कमिटेड वोट बैंक है समाजवादी पार्टी के साथ। वो मुलायम सिंह यादव के जमाने से लेकर और अखिलेश के जमाने तक जो एकदम इन ब्लॉक वोटिंग कर रहा है समाजवादी पार्टी, अखिलेश में एक स्पार्क उसे नजर आता है, अपना भविष्य नजर आता है, और यादव बिरादरी जो है वो अखिलेश यादव के वोट करने के लिए एकदम दिलो जान से वोट करती है। अगर आप अखिलेश यादव का जलवा देखना चाहते हैं अपने उस वोट बैंक में तो आप कभी उनके साथ हो लीजिए, फिर देखिए किस तरीके से उनका जो अपना कोर वोटर है वो कैसे जान छिड़कता है। लेकिन जब पार्लियामेंट की बात आती है तो उसका एक सेक्शन, मुझे लगता है उसे लगता है कि अगर अखिलेश यादव प्रधानमंत्री नहीं बन रहे या अखिलेश यादव का चुनाव नहीं है तो मोदी के चेहरे पे जाया जा सकता है। उसमें भी एक बड़ा तबका फिर भी अखिलेश के साथ रहता है। आज भी पार्लियामेंट के जब चुनाव होंगे तो आप देखेंगे कि यादवों का बहुत बड़ा तबका अखिलेश के साथ वोट करेगा, लेकिन एक सेक्शन है जिसे जो पार्लियामेंट के चुनाव में मोदी के साथ थोड़ा कह लें राष्ट्रवादी हो जाता है, या यूं कह लें थोड़ा हिंदुवादी हो जाता है, थोड़ा मोदीवादी हो जाता है, तो वो एक धड़ा है। अब उसका प्रतिशत कभी 12-15% भी हो जाता है, कभी 10% भी हो जाता है। नहीं कुमार आंकड़ों के नजरिए से बात करें तो सीएसडीएस के मुताबिक 23% यादव वोट बीजेपी को मिला था, यानी कि हर चौथे यादव वोटर में से एक ने बीजेपी को वोट दिया था, ये सीएसडीएस के आंकड़े कहते हैं, और नॉन यादव तो 80% मिला था। बिल्कुल, तो अगर ये आंकड़ा है तो बिल्कुल आप मान लीजिए कि एक ऐसा तबका है और उसे हम छोटा सेक्शन नहीं कह सकते। अगर 23% यादव अगर मोदी को वोट कर देते हैं और उन्होंने 2019 में वोट किया है, 14 में भी वोट किया है, तो फिर ये समझ जाइए कि पार्लियामेंट के समय, चूंकि अगर अगर वही मुलायम सिंह होते और प्रधानमंत्री के रेस में होते तब शायद ये परसेंटेज कुछ और दिखाई देता, तब सबके सब शायद जा सकते हैं। या आज अगर आप अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री के रेस में खड़ा कर दें तो फिर देखिए उसकी वोटिंग का ट्रेंड क्या हो जाता है, लेकिन बड़ा सेक्शन जरूर मोदी के नाम पर या राष्ट्रवाद के नाम पर वो वोट करता है। लेकिन जब उत्तर प्रदेश की बारी आती है तो वो वोटर अखिलेश के लिए खड़ा होता है। बिल्कुल, एक सवाल इस पे और भी है नीरज जी, मैं आपको आपसे लेता हूँ। हिमांशु पटेल हैं जिनका सवाल है कि बीजेपी को वोट नहीं देगा, हाँ लेकिन कुछ मुस्लिम बीजेपी को वोट जरूर देंगे, अगर पीडीओ को जीतना है तो ओबीसी दलित मुस्लिम वोट बीजेपी में नहीं जाना चाहिए। अखिलेश यादव जिस पीडीए की बात कर रहे हैं आप, अभी जिस तरीके से था कि 23% यादवों ने 2019 में बीजेपी को वोट किया, यानी कि हर चौथा यादव बीजेपी को वोट करता नजर आया, मुस्लिम को लेकर भी नरेंद्र मोदी बहुत सक्रिय हैं, वो पसमांदा की बात करते हैं, वो दलित आदिवासियों की भी बात करती है बीजेपी, एक बड़ा गैर जाटो दलित की पॉलिटिक्स रही है, तो आपको क्या लगता है कि जो नारा अखिलेश यादव ने दिया है पीडीए, यानी कि पिछड़े दलित अल्पसंख्यक, और वो नारे का जो आप स्लोगन पढ़ेंगे समाजवादी पार्टी के पोस्टरों में तो अल्पसंख्यक के आगे एक डैश लगा है, उस डैश के बाद लिखा हुआ है मुसलमान,
यानी कि पिछड़े दलित और मुसलमान की जो बात कर रहे हैं अखिलेश यादव, कह रहे हैं कि पीडीए एनडीओ खड़ाएगा, ये गठबंधन आपको कितना साकार दिखता है जमीन पर? क्योंकि बहुत ही ड्रास्टिक गठबंधन है, मुसलमान दलित एक साथ आता है, लेकिन क्या पिछड़ा दलित एक साथ आ जाएगा? और क्या ये एक साथ अखिलेश यादव को वोट करेगा जब 80% गैर जाटव बीजेपी को वोट करते हैं? नहीं, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन अखिलेश यादव ने पिछले कुछ महीनों में जातीय जनगणना से लेकर रामचरितमानस से लेकर जिस तरह से अपनी पॉलिटिक्स को खोला है, वो साफ तौर पर उनका जो लक्ष्य है वो ये दिखता है कि बीजेपी की हिंदुत्व की छतरी के नीचे जहां दलित, ओबीसी, अपर तथा कथित अपर कास्ट ये सब एक हो जाते हैं, उस छतरी को तोड़ा जाए और जातियों के आधार पर शायद वोट में बंटवारा किया जाए। तो लेकिन ये बात कहना कि बीजेपी को वोट नहीं देंगे, ये शायद हिमांशु जी का ये डाटा आधारित मैं इसे राय नहीं मानता हूं, क्योंकि हम लगातार दलित की बात करते हैं तो दलित में भी मैं आपको बता दूं कि मायावती पर बात करते समय हम क्रिटिकल हो जाते हैं कि उनका जाटव वोटर भी उनको छोड़ रहा है, लेकिन 2019 में 17% जाटव वोटर ने बीजेपी को वोट दिया था और 2022 में 21%, बहुत ड्रास्टिक चेंज नहीं आया था, जबकि बीजेपी ने इन 19 के बाद 22 इन तीन सालों में सोशल वेलफेयर स्कीम्स के जो अपने दरवाजे हैं वो बहुत ज्यादा खोले हैं। तो ऐसी सूरत में और ज्यादा वोट आना चाहिए था। नॉन यादव भी जो, माफ कीजिएगा कि गैर जाटव दलित भी जो है वो 45-48% के करीब था, लगभग उतना ही था। अब हम ये बात करें कि अखिलेश यादव के साथ ये दलित वोट आएगा या नहीं आएगा, तो फिलहाल ये बहुत मुश्किल लगता है। बीजेपी ने सोशल वेलफेयर स्कीम्स के जरिए और अपनी तमाम पॉलिटिक्स के जरिए केंद्र की योजनाओं का जिस तरीके से प्रचार किया है और वो लोगों तक पहुंची है अपनी इन तमाम राजनीतिक गतिविधियों के जरिए और प्रशासनिक गतिविधियों के जरिए एक अपनी पैठ बहुत पिछले सालों में बढ़ाई है, तो ये वोट फिलहाल हमें बीजेपी की तरफ ही ज्यादा जाता हुआ दिखाई देता है। अगर मुस्लिम वोट की बात करें, और आपने कहा कि बीजेपी वहां पर भी कोशिश कर रही है, तो बीजेपी को मुस्लिम वोट भी 8% मिला था 2019 में जी, और 2022 में भी 7-8% या 8-9% वोट ही मिला था, लेकिन बीजेपी ने अभी जून के आखिरी हफ्ते में मेरे ख्याल से एक मोदी मित्र अभियान शुरू किया है जिसमें बीजेपी का जो अल्पसंख्यक मोर्चा है वो तमाम यूपी के जिलों में जाएगा और मुस्लिम वोटर्स को यह समझाएगा कि कैसे केंद्र की और राज्य सरकार की नीतियों के चलते आपके समुदाय को फायदा हुआ है। तो बीजेपी तो देखिए अपना वोट परसेंटेज 50% उन्होंने यूपी में 51% वोट ले ही चुके हैं, तो बीजेपी तो बहुत ज्यादा एग्रेसिवली बहुत आक्रामक तरीके से तमाम वर्गों के अंदर अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश उत्तर प्रदेश में खास तौर पर कर रही है। अखिलेश यादव के लिए यह बड़ी मुश्किल चुनौती है। हिमांशु यादव के सवाल का आधा हिस्सा कि अगर पीडीए को जीतना है तो ओबीसी, दलित और मुस्लिम को बीजेपी में जाने से रोकना पड़ेगा, यह बात उनकी सही है, लेकिन ये वर्ग बीजेपी को वोट नहीं देंगे, ये उनकी राय है। बिल्कुल कुमार जी, मैं आपके पास आऊंगा इस सवाल के साथ। इसमें एक सवाल और भी हिमांशु का एक हिस्सा और है कि मायावती अगर अपना जाटव और नान जाटव वोट बीजेपी के साथ जाने से रोकती हैं तो बीजेपी 35% के अंदर होगी। ये सवाल आपको क्या लगता है? दलित वोट की बहुत बात होती है, मायावती की भी एंट्री है, लोग कह रहे हैं कि मायावती बहुत जरूरी है विपक्षी गठबंधन के लिए, पिछली बार भी साथ आई थी लेकिन उस तरीके का रिजल्ट नहीं नजर आया, सिर्फ 16 जिसमें से 15 सीटें जो है वो इस गठबंधन ने जीती और एक सीट कांग्रेस ने जीती, बाकी बीजेपी गठबंधन 64 सीटों पर थी। तो क्या दलित वोट इंपैक्ट होगा, वो क्या बीजेपी से हटकर विपक्ष की तरफ जाएगा? क्योंकि एक बड़ा दलित वोट कर रहा है लेकिन उस तरीके का प्रतिनिधित्व तो नहीं दिखता है बीजेपी सरकार में। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब एक राज्यपाल को लाया गया, चुनाव लड़ाएगा और ये कहा गया कि उनको डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, वो एक मंत्री बनकर रह गए, कोई बहुत बड़ा दलित चेहरा नजर, ओबीसी चेहरा नजर आता है, सवर्ण चेहरे नजर आते हैं, दलितों की वैसी पॉलिटिक्स या आप कह सकते हैं पावर कॉरिडोर में वैसा केक नहीं दिखता है बीजेपी की तरफ से। तो क्या दलित शिफ्ट हो सकता है जिसको लेकर अखिलेश यादव बहुत कोशिश कर रहे हैं, और वो शिफ्ट किसकी तरफ होगा? वो मायावती की तरफ होगा या बीजेपी की तरफ होगा? क्योंकि अखिलेश यादव के साथ चंद्रशेखर भी हैं, वो महू जाते हैं, अंबेडकर की प्रतिमा पर जाते हैं, उनकी जन्मस्थली पर जाते हैं, और सबसे बड़ी बात जिन कांसीराम से लेकर सबसे लड़ाई रही समाजवादी पार्टी की मुलायम सिंह यादव की, उन कांसीराम की प्रतिमा का अनावरण वो स्वामी प्रसाद मौर्य के घर जाकर करते हैं। पूरा बीएसपी, अगर आप मायावती को छोड़ दीजिए और एक दो कोऑर्डिनेटर को छोड़ दीजिए, तो आधी बीएसपी इस वक्त समाजवादी पार्टी में है जो उनके बड़े दिग्गज नेता थे। तो आपको क्या लगता है कि दलित कैसे वोट करेगा 2024 में? मुझसे सवाल है जी,
देखिए, पहले तो जो हमारे दर्शक है जिन्होंने सवाल भेजा है, मुझे लगता है उनके सवाल में उनकी इच्छा ज्यादा है, यानी कि वो क्या सोचते हैं, वो क्या चाहते हैं, उन्होंने वो लिखा है, लेकिन वो थोड़ा रियलिटी से दूर है। मैं इसलिए रियलिटी से दूर कह रहा हूं क्योंकि अगर आप डेटा उठा करके देखें तो पता ये चलेगा कि जिस दलितों में भी जाटों और नॉन जाटों की बात कर रहे हैं तो नॉन जाटों का तो बहुत बड़ा हिस्सा बीजेपी के साथ जा चुका है, और ये कोई पहली बार नहीं है, ये 2014 के बाद से ही 14 से ही इनफैक्ट कह लें तो बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है, और पिछले चुनाव में भी जो जाटों का हिस्सा है वो बढ़ा है बीजेपी की तरफ, नुकसान मायावती को हुआ है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने हाल के दिनों में अपनी वो छवि तोड़ने की कोशिश की है जो उसकी दलित विरोधी एक छवि थी। माया जो अगर समाजवादी पार्टी का दौर देखें तो वो ओबीसी, मुस्लिम और सवर्ण, ये एक तरीके से मुलायम सिंह यादव का वोट बैंक हो गया करते थे, जिसमें ठाकुर हुआ करते थे, जिसमें ओबीसी के यादव और दूसरी बिरादरी थी, मुसलमान पूरा था, तो उनको पूरा का पूरा उनके लिए जीत का एक ऐसा परमानेंट उनकी व्यवस्था थी कि जिसमें उनको अच्छे खासे वोट और सीटें मिलती थी। लेकिन बीजेपी ने इसी इन्हीं चीजों को तोड़ा, ओबीसी को तोड़ा, और ओबीसी में अगर देखें तो एक वक्त था जब नॉन यादव ओबीसी पूरी तरीके से बीजेपी के साथ थी, अब उसमें थोड़ा डेंट हुआ है, जिस जो अखिलेश यादव के साथ नॉन यादव ओबीसी का एक हिस्सा आया है, जिसमें खासकर पटेलों का, पूर्वांचल में कुर्मियों का एक हिस्सा अखिलेश यादव के साथ गया है। वैसे ही अगर आप देखें तो दलितों में भी एक हिस्सा अखिलेश के साथ, अखिलेश ने बड़ा सिस्टमेटिक तौर से उसे उन्होंने अपनी तरफ खींचने की कोशिश की है, वो लगातार अंबेडकर की बात कर रहे हैं, लोहिया और अंबेडकर की एक साथ बात कर रहे हैं, कांसीराम की बात कर रहे हैं, और उनके उनसे जो निकले हुए लोग थे आप देखें उनको अखिलेश यादव ने अपने साथ जोड़ा है। अंबेडकर नगर तो इसका बहुत बड़ा उदाहरण है, रामाचल राजभर है, लालजी वर्मा है, इस तरीके के जो लोग जो कद्दावर थे बसपा के, उसे अखिलेश अपने साथ ले आए। उसी तरह इंद्रजीत सरोज हैं, आप देख लें प्रयागराज की तरफ कौशाम्बी, तो उनके साथ नॉन जो जाट और दलित है जिसमें पासी एक बड़ी बड़ी बिरादरी है उसको भी अखिलेश है। तो अखिलेश यादव ने जो डेंट किया है वो नेचुरल तौर पर उन पार्टियों में, उन जातियों में किया है जो या तो बसपा के साथ था या फिर बीजेपी के साथ हो चुका था। लेकिन यहाँ अखिलेश यादव कुछ हद तक सफल हुए, लेकिन अभी उनकी उनका वो जो डेंट करने का का पैमाना है वो इतने स्तर तक नहीं आया है कि वो बहुत बड़े स्तर पर पिछड़ों को अपने तरफ ले आए, दलितों को अपने तरफ ले आए। अगर आप देखें इस बार अगर 37% उन्हें वोट आए हैं तो उनके अपने कोर वोट बैंक से कहीं ज्यादा मिले हैं, और ये सब कुछ आप समझ लीजिए जबकि सवर्ण एक तरफ पूरी तरीके से पोलराइज थे, वैसी स्थिति में उनका जो वोट बैंक बढ़ा है उसमें दलितों का और नॉन यादव ओबीसी का एक बड़ा हिस्सा है जिसने उन्हें वोट किया है। तो आने वाले वक्त में ये बढ़ता है या घटता है इस पर तो नजर रखनी पड़ेगी, लेकिन अखिलेश यादव पर जो एक तमगा लगा रहता था, टैग था कि मुसलमानों की पार्टी है, मुस्लिम परस्त पार्टी है, यादव और मुसलमानों की पार्टी है, अब उनके उनसे कुछ आगे निकल चुके हैं अखिलेश यादव, उनकी पार्टी, और उनकी तरफ भी ओबीसी की का एक रुझान दिख रहा है, कुर्मियों का रुझान दिखा है, कुछ और जातियों का रुझान दिखा है, और कुछ पॉकेट्स में इनके लिए वोट्स दिखाई दे रहे हैं। क्या ये पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसा है? तो अभी ऐसा नहीं है, लेकिन बीजेपी का जो प्रभाव क्षेत्र है अभी बना हुआ है। ऐसी स्थिति में जो मुख्य घाटा है दलितों का या एक वक्त नॉन यादव ओबीसी बसपा का वोट बैंक हुआ करता था, मुझे लगता है कि जो बसपा से टूटकर बीजेपी के तरफ आए हैं उस बीजेपी में से थोड़ा डेंट होकर के अभी अखिलेश के पास गए हैं, लेकिन ये अभी जो 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 प्रोसेस है ये टूटने मिलने बिखरने की एक चर्निंग की प्रक्रिया में है। अभी ये देखना होगा कि क्या 2024 में भी कुछ यही चीजें होती हैं। मुझे लगता है कि शायद 2024 में वो स्थिति ना रहे। अगर प्रधानमंत्री जो मोदी हैं अगर उनके नाम पर दोबारा से वोट मांगे जा रहे हैं तो क्या ओबीसी इस बार मोदी के नाम पर वोट करेगा या जो महागठबंधन की तरफ से क्या कोई दूसरा ओबीसी चेहरा आएगा? अब इसको इसी तरीके समझिए, अगर नीतीश कुमार कैंडिडेट बन जाते हैं तो जो कुर्मी वोट अखिलेश की तरफ गया था उसमें हो सकता है और बढ़ोतरी हो जाए क्योंकि उन्हें अपने चेहरा अपना अक्स दिखाई देगा एक प्रधानमंत्री के कैंडिडेट में। तो इस तरह की कई चीजें पाइपलाइन में है, लेकिन ये कि सारे ओबीसी और सारे दलित जो है वो छोड़ करके बीजेपी को अखिलेश के साथ चले जाएंगे, ये स्थिति नहीं है। बीजेपी का अभी भी बहुत बड़ा
प्रभाव रसूख इन जातियों पर है और वही बीजेपी के जीतने की वजह है, आधार है। और मैं आज भी मानता हूं कि जो अगर कोई कहता है कि बीजेपी बनिया और ब्राह्मणों की पार्टी है वो गलत है। बीजेपी शुद्ध रूप से ओबीसी की पार्टी है। आज के समय में सबसे ज्यादा ओबीसी बीजेपी को वोट करता है। यह अलग बात है कि फॉरवर्ड्स का जो सवर्णों का पोलराइजेशन बीजेपी की तरफ रहता है तो वो उसी तरीके से है जैसे मुसलमानों का पोलराइजेशन अखिलेश की तरफ रहता है, लेकिन आज के समय में अगर कोई मुख्य वोट बैंक है तो वो ओबीसी। बिल्कुल लक्ष्मणाचार्य बीजेपी, अब उनकी उतने अच्छे संबंध नहीं रहे बीजेपी से, लेकिन ओबीसी पॉलिटिक्स की एंट्री उस वक्त कराई गई जब तमाम ओबीसी लीडर्स दिखे जिसमें शिवराज सिंह चौहान से लेकर नरेंद्र मोदी तक का नाम आता है। नीरज जी, अब थोड़ा इसको जल्दी रैप अप करेंगे, समय की भी अब हमारे पास थोड़ी सी गुंजाइश कम है। इसमें एक नंदलाल यादव है, वो सवाल कर रहे हैं कि मेरी राय से, इनकी राय है कि सपा बसपा गठबंधन सपा के लिए ठीक नहीं है, सपा और आजाद पार्टी का साथ रहना अनुकूल लग रहा है। जो दलित वोटों की बात हो रही है उसमें आपको क्या लगता है कि अगर चंद्रशेखर आते हैं, आजकल मायावती भी दिल्ली में बहुत डेढ़ा गारे बैठी हुई हैं और आज की यूपी में आपको पता चलेगा आज की भैया मायावती वहां बैठकर कर क्या रही है, तो आज का जो यूपी आएगा वो भी आप देखिएगा। मायावती जिस तरीके से लग रही है, आपको क्या लगता है अगर चंद्रशेखर साथ आते हैं तो मायावती को और नुकसान होगा, या चंद्रशेखर जो कहा जा रहा है कि वो वोट नहीं ला पाते हैं, वो एक कार्यकर्ता है या आप कह सकते हैं कि वो एक क्रांतिकारी के तौर पर तो नजर आते हैं लेकिन वोट अपने साथ नहीं ला पाते, तो अगर गठबंधन में आते हैं तो क्या वो अखिलेश यादव को दलित वोट दिला पाएंगे? नहीं, अभी देखिए 2022 में चंद्रशेखर का प्रभाव पिछले 2-3 सालों में बहुत ज़्यादा, देखिए सोशल मीडिया की तरफ से जब हम यंग वोटर्स की बात करते हैं और किसी भी नेता की पॉपुलैरिटी की बात करते हैं तो पिछले कुछ महीनों में सालों में सोशल मीडिया उसमें एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। तो भले ही 10 साल से अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हो चंद्रशेखर, 10 साल से चर्चा में हो, लेकिन पिछले 2-3 साल में वो बहुत आक्रामक तरीके से एक नेता के तौर पर, एक दलित नेता के तौर पर सामने आए हैं। जैसे कि वो पश्चिमी यूपी तक सीमित नहीं है, वो आपको जयंत चौधरी के साथ राजस्थान में नजर आते हैं, वो जयंत चौधरी और अखिलेश यादव के साथ आपको मऊ में नजर आते हैं, वो दिल्ली के जंतर मंतर में पहलवानों का के समर्थन में खड़े होते हैं बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ। तो वो एक उन्होंने अपना दायरा जो मैं माफी चाहता हूं कुमार, अब आपको आवाज आ रही है? जी जी जी। तो चंद्रशेखर ने अपना दायरा पिछले 2-3 सालों में बहुत बढ़ाया है और 2022 के विधानसभा चुनाव में तो कोई उनका टेस्ट हो ही नहीं पाया, वो गठबंधन में नहीं थे। तो ये बात सही है कि उनको अभी चुनावी पॉलिटिक्स के इम्तिहान में अपने आप को एक अच्छा छात्र साबित करना है, लेकिन वो इम्तिहान उन्होंने अभी तक दिया नहीं है, इसलिए उन्हें एक सिरे से खारिज भी नहीं किया जा सकता है। फिर भी अगर आप दलितों की बात करेंगे तो मायावती कितनी भी ढलान पर हो, मायावती की पॉलिटिक्स आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में, इस ये कहने में मुझे लगता है कि कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए कि अभी भी दलितों की सबसे बड़ी नेता वहां मायावती ही है। अब अखिलेश यादव को 2019 में जो उन्होंने महागठबंधन बनाया था तो वहां पर यही कहा जाता है कि अखिलेश यादव का वोट मायावती को ट्रांसफर हुआ, 10 सीटें उन्होंने जीत ली, लेकिन मायावती का दलित वोट जो है वो अखिलेश यादव को ट्रांसफर नहीं हुआ, 5 सीटों पर सिमट कर रह गए। इसी बात को लेकर मुझे लगता है कि नंदलाल यादव को यह लगता है कि मायावती के साथ उतना उन्हें फायदा नहीं होगा अखिलेश यादव को, लेकिन चंद्रशेखर के साथ भविष्य की राजनीति 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए एक इन्वेस्टमेंट हो सकता है, लेकिन 2024 के चुनावों में अखिलेश यादव चंद्रशेखर के साथ मिलकर एक दलित वोट का बड़ा हिस्सा खींच लेंगे, मुझे उसमें शक लगता है। कुमार जी, आपका एक छोटी राय चाहेंगे इस पे? नहीं, बिल्कुल, मैं इस बात से जो नीरज कह रहे हैं मैं उससे इत्तेफाक रखता हूं। हालांकि उनका प्रभाव बढ़ा है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर जहां जहां वो जाते हैं उनके साथ कुछ दलितों के वोट जुड़ रहे हैं। मैंने तो एक दो मैं उदाहरण दे दूं, रामपुर का उपचुनाव था और रामपुर के उपचुनाव में जब बीजेपी के कैंडिडेट ने जीत हासिल की तो जीतने के बाद उन्होंने बताया कि जो उनके पक्के गाँव थे जहां से उनको दलितों का पूरा वोट मिलना था वहां जाकर कैंप कर दिया था चंद्रशेखर रावण ने और वो वोट सपा की तरफ टर्न हो गए। तो कुल मिलाकर के ये माना जा सकता है कि उनका प्रभाव है, वो वोट को देने और दिलाने की क्षमता धीरे धीरे उनके अंदर आ रही है और ये बीजेपी के लिए और बसपा के लिए और खास करके बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। लेकिन 2024 में क्या वो किंग मेकर बन के उभरेंगे, क्या वो वोट दिला पाएंगे, लेकिन उन पर नजर इसलिए रखना जरूरी है क्योंकि वो चुनाव लड़ेंगे, गठबंधन से वो चुनाव लड़ेंगे और संसद में पहुंचने की उन्होंने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है।
इसलिए एक नेता के तौर पर वो उभरते दिखाई देंगे और उनका प्रभाव थोड़ा ही सही मुझे लगता है कि दलितों के एक सेक्शन पर, खास करके युवाओं के के मन में, दलित युवाओं के मन में उनके लिए एक सिंपथी है, उनके लिए एक जज्बा है और मुझे लगता है कि थोड़ा प्रभाव उनका हमें दिखाई देगा, लेकिन कितना दिखाई देगा ये थोड़ा अभी कहना मुश्किल है। लेकिन चंद्रशेखर एक उभरते हुए दलित नेता के तौर पर सामने हैं और ये वोटों में भी तब्दील होगा, बहुत बड़ा होगा मैं ऐसा नहीं कहता लेकिन होगा। देखिए आप, हम लोग बातचीत कर रहे हैं, उसमें एसके करके एक यूजर है वो कमेंट कर रहे हैं कि मैं चंद्रशेखर के संगठन से, लेकिन वोट बसपा को, अभी ये हो सकता है क्योंकि सोशल मीडिया पर कोई वेरीफाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन कई सारे सवाल और भी हैं, अब हम एक आखिरी सवाल पर चलेंगे, नीरज जी आपका कमेंट लेंगे, उसके बाद मैं पहले कुमार अभिषेक जी आपसे ही ले लेता हूं। एक सर्वे आया था हाल फिलहाल में, हमने चर्चा की थी, वो सर्वे टाइम्स नाउ ग्रुप ने एक रिसर्च एजेंसी के साथ मिलकर की थी, ETG रिसर्च एजेंसी नाम था उसका, उसके अनुसार बीजेपी को करीब करीब 70-72, 60-70 के बीच में सीटें मिलती नजर आई थी। संदीप नाम है, संदीप नाम के यूजर ने कमेंट किया है कि मैक्सिमम अखिलेश यादव को 7 और मिनिमम 2 सीटें उनको मिल सकती हैं। मैं ये आपसे पूछ रहा हूं कि अगर गठबंधन बनता है, महागठबंधन बनता है बिना मायावती के, जो फिलहाल सूरत बनती हुई नजर आ रही है, जिसमें चंद्रशेखर भी है, जिसमें जयंत भी है और जिसमें अखिलेश यादव भी है, तो अखिलेश को कितना मिनिमम मैक्सिमम मिल सकता है? एक अनुमान 40 सीटों की बात वो कर रहे हैं कि 40 सीट हरा देंगे यूपी में तो हम एक तरीके से बीजेपी को रोक लेंगे। आपको क्या लगता है कि कितना मैक्सिमम गठबंधन जा सकता है अपने उस पर, अगर वो बेहतर प्रदर्शन करता है, और खराब करता है तो बीजेपी को आप कितना मैक्सिमम दे सकते हैं? देखिए, मैं सीटों की संख्या बोलना ठीक नहीं होगा, लेकिन कुछ दर्शक हैं जिन्हें मुझे लगता है कि हम लोगों से कहीं बेहतर एनालिसिस करते हैं, कुछ दर्शक होते हैं जो हमें सुनते हैं, देखते हैं, मुझे लगता है हम लोगों से बेहतर एनालिसिस वो लोग भी करते हैं। लेकिन मैं एक लाइन में जरूर कहूंगा कि उत्तर प्रदेश में बसपा और सपा से बड़ा गठबंधन कोई नहीं हो सकता, और बसपा और सपा ने गठबंधन करके 2019 में ये लोग 16 सीटों पर रुके थे, 15 सीटों पर रुके थे, तो अगर इस बार अलायंस नहीं करेंगे तो कहां से एडिशनल वोट आएगा, कौन सा ऐसा वोट है जो कि और जुड़ जाएगा? तो ये एक ऐसी बात है जो जवाब देती है। मुझे लगता है बीजेपी ऐसी स्थिति में बहुत कमजोर नहीं होगी, बीजेपी एक ही स्थिति में कमजोर होगी जब 1-to-1 80 सीटों पर बीजेपी के खिलाफ एक कैंडिडेट उतारा जाए, सपा बसपा कांग्रेस RLD चंद्रशेखर सब एक साथ हो जाए, छोटे दल भी एक साथ आ जाए, तब हो सकता है कि बीजेपी को बहुत बड़ी चुनौती मिले। लेकिन अगर सपा और बसपा अलग अलग लड़ रहे हैं तो फिर मैं बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती नहीं देखता। नीरज जी, आपका? बिल्कुल, इसमें तो कुमार ने जो बात कही है मैं 100% उसी के साथ हूँ। फिलहाल जो ओपिनियन पोल हो रहे हैं वो फिलहाल बीजेपी को 65+ माइनस 5 सीटें दे रहे हैं, यानी 60-70 के बीच सीटें दे रहे हैं आने वाले दिनों में ये ओपिनियन। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात उत्तर प्रदेश में यही है कि गठबंधन क्या शक्ल लेता है। वो गठबंधन अखिलेश यादव से अलग मायावती कांग्रेस या और छोटी पार्टियों का गठबंधन बनता है, या फिर अखिलेश यादव के इस गठबंधन में कांग्रेस पार्टी शामिल होती है। और जो आखिर में कुमार अभिषेक ने बात कही कि कोई नहीं जानता राजनीति में कल क्या हो सकता है, तो क्या मायावती भी इनके साथ आकर खड़ी हो जाती है? ये उस पर ऐसी सूरत में ही बीजेपी को एक कड़ी चुनौती मिलती हुई नजर आती है। लेकिन हमें थोड़े दिन और इंतजार करना चाहिए, अभी अगले हफ्ते बैठक है विपक्ष की, जरा देखें उसमें सोनिया गांधी कोई दोस्ती राहुल गांधी में और अखिलेश यादव में करा पाती हैं क्या, थोड़ी तस्वीर और साफ होगी। बिल्कुल, एक बात जो अभी कुमार जी कह रहे थे उससे थोड़ा नाइंसाफी ये है कि हमेशा पॉलिटिक्स जो है अर्थमेटिक नहीं होता, इसका उदाहरण खुद बीजेपी है। 2014 से पहले आप उसका प्रदर्शन देख सकते हैं, तो कोई एडिशनल वोट कहां से आता है, वो माहौल से आता है मुझे ऐसा लगता है। अगर कांग्रेस का माहौल बन रहा है और उसके साथ सपा जाती तो हो सकता है कि उसको फायदा हो, ऐसा एक अनुमान लगाया जा रहा है। ऐसा अनुमान 2019 में भी लगाया गया था कि सपा बसपा मिलकर, लेकिन वो सरकार बनाते हुए नजर नहीं आ रहे थे। अगर आप सरकार बनाते हुए गठबंधन में दिखते हैं तो उसका फायदा आपको मिल सकता है। ये तो आपके सवालों के जवाब रहे हैं आज के, आज हमने लगभग 12-13 सवाल लिए नीरज जी, ऐसी ही कोशिश हर हफ्ते अब जारी रहेगी। तो आपसे गुजारिश ये है कि आप सवाल पूछिए, आप सवाल लगातार पूछिए, अच्छे सवाल पूछिए। आप जितने अच्छे सवाल पूछेंगे हम आपके सवालों को उसी हिसाब से लेंगे। आप अपनी राय दें वो भी अच्छी बात है, लेकिन आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप लगातार पूछते रहिए। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी इसी दिन। फिलहाल कल के लिए क्या होगा वो हम आपको बता दें, कल हम कोशिश करेंगे किसी ना किसी सीट के बारे में आपको बताएं कि
कि कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है और किसका पल्ला भारी है। फिलहाल कुमार जी आपका शुक्रिया, नीरज जी आपका शुक्रिया और आप सभी दर्शकों का शुक्रिया। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।